नया साल नजदीक है। झारखंड में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव इस नए साल में होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, इस पर बातचीत की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से हमारे संवाददाता शंकर ने। शंकरनी अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी हमारे साथ है, और मिशन 2024 इसकी अगर बात करें तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए? मिशन 2024 हमारी आर पार की लड़ाई है, बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी भी उसके लिए तैयारी कर रही है। सारे बीएलए का गठन हो चुका है पंचायत प्रखंड स्तर पर, लेकिन इस पर और तेजी लाने की जरूरत है। जितना काम इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले एक महीने जनवरी तक में सारे लोगों को जो काम टास्क बांट दिया जाएगा, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसको देखते हुए कांग्रेस के प्रभारी भी झारखंड का बदला गया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रभार तो बदल गया, लेकिन कार्यकारिणी जो यहाँ कमेटी है वो वैसे ही चल रही है, इसको कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? कि चूक तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हुई है, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ ना हो, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, नए प्रभारी को भी इस पर चिंतन करनी चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत बारीकी से सोचना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आने वाला 2024 हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसके लिए कुछ बड़ा निर्णय जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय नेताओं को लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, जहां चूंकि चुनाव है 24 में झारखंड में, तो आदिवासी जो नाम है उसको आगे कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति जो है आदिवासी है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इस पर बड़ी निर्णय कुछ लेना ही होगा। मैं आपको बहुत चीज़ों को इशारा में कह दिया। चलिए, क्या लग रहा है कि आप मुखर नहीं हो पा रहे हैं? ऐसे ना बोल रहे हैं कि बड़ा निर्णय लेना चाहिए राष्ट्रीय नेताओं को, अब इसका इंतजार अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 4 फरवरी को एक आप रैली रखे हैं, क्या है इसमें, किस तरीके से करेंगे? 4 फरवरी को रैली, चूँकि जन मुद्दे आदिवासियों का सवाल को लेकर मैं लगातार रैली धरना प्रदर्शन मैं करते रहता हूँ। 4 फरवरी को एक रैली है, उसमें हमारे आदिवासी का महाजुटान होगा, हमारे विभिन्न संगठनों को उसमें बुलाया जाएगा, और उस पर हम लोग कई जन मुद्दों को लोगों के बीच में उनको बतलाएंगे कि आने वाले दिन में आरएसएस और संघ से हमको कैसे बचना है, उनके चंगुल में नहीं आना है। एक हम समझ रहे हैं, चूँकि 23 साल तो झारखंड का हो गया, लेकिन आदिवासी हो या मूलवासी हो, आज भी संघर्ष करते दिख रहे हैं झारखंड में, इसको आप कहाँ कमी देख रहे हैं? चूँकि सरकार आपकी भी है और पिछले बीजेपी के भी रही, क्या कमी रह गई? कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के अलावे आप चौथे स्तंभ भी कहीं ना कहीं इस पर जिम्मेवार हैं। बहुत सारे चीज़ों को हमारे चौथे स्तंभ वाला भी नहीं समझते हैं और उसी तरीके से उसको डिलीवर कर देते हैं, इसलिए बहुत ऐसी चीज़ों को चौथा स्तंभ को भी समझना होगा और उसी तरीके से जनता के बीच में परोसेंगे तो शायद इस राज्य के लिए भला होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर से बंधु तिर्की का कहना था कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का कमी रहा झारखंड में, तो यहाँ की मूलवासी और आदिवासी जो है आज भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि साफ तौर से कहना है कि 2024 का जो चुनाव होने वाले लोकसभा विधानसभा, इसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, और ये आने वाले समय में जो है बीजेपी का कांग्रेस जो झारखंड से है उसका जो है सफाया कर देगी। अपने सहयोगी दीपक के साथ शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया के।